किसी ने नारी की व्याख्या इन शब्दों में क्या अद्भुत की है। नारी हूँ ये जानकर मैं आभारी हूँ, सृष्टि की रचना में समर्पित बैकुंठ लोक से पधारी हूँ। कभी अग्नि से जन्मी द्रौपदी, कभी अग्नि में समर्पित सीता हूँ। मर्यादा की रक्षा हेतु शस्त्रों से सुसज्जित सिंहासनी दुर्गा हूँ। मैं झांसी वाली रानी हूँ, मैं प्रेम और त्याग की हूँ संगम। कहते हैं स्वयं से ये रघुनंदन, यम छल कर कभी सावित्री हूँ, कभी तम स्वीकार गंधारी हूँ। मेरी ममता की आंचल में स्नेह की है अद्भुत क्षमता, किंतु आन की मान निभाने को कभी कर्ण त्याग मां कुंती, कभी कर स्वीकार कन्हैया को, बन गई यशोदा मैया। नारी हूँ ये जानकर मैं आभारी हूँ। वक्त इंडिया की संपूर्ण टीम की ओर से पूरे विश्व और सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। दुनिया भर में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाओं के सेलिब्रेट करने का दिन होता है, उनके अस्तित्व, उनके अधिकार और उनके आत्मसम्मान के सम्मान देने का दिन है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर एक महिला, चाहे वो घरेलू हो या वर्किंग हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपने आप में खास होती है। हमारी वक्त इंडिया की टीम ने महिलाओं से इस दिन के बारे में बात की और कई महिलाओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आप जानते हैं? आइए देखें उनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विश्व भर की महिलाओं को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और ये सबसे पहले शुरू हुआ था यूएस में, लेकिन आज ये देश के कोने कोने में मनाया जाता है। लेकिन फिर भी चाहे हम सब ये लोग दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग, वो औरतें जो बैकवर्ड एरियाज में रहती हैं, उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता और वो अपने बहुत सारे अधिकारों से वंचित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस फेस्टिवल को इस तरीके से मनाएं कि हमारे देश भर की महिलाएं इस दिन की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। महिलाओं के फंडामेंटल्स जितने भी राइट्स हैं वो देने के लिए मैं गवर्नमेंट को सबसे पहले थैंक यू कहूँगी, और उसके बाद ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने ये शब्द कहे हैं, टू एजुकेट द विमेन इट मीन्स टू एजुकेट द होल फैमिली, अगर आप एक लड़की को शिक्षित बनाते हो तो इसका ये मतलब है कि आप पूरे परिवार को शिक्षित बनाते हो। और महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरा सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बट मेरा कहना यही है कि हम जैसे पढ़े लिखे जो महिलाएं हैं, हम सभी तो जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, बट बहुत सी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने घरों में बैठी हैं, घर के काम काज कर रही हैं, बहुत सा करें, हम सही मायने में अगर चाहें अगर किसी महिला को सम्मानित करें तो उस महिला को लाकर सम्मानित करना चाहिए जो बिना किसी किसी को दिखावे के या बिना किसी लालच के वो कुछ अच्छा काम कर रही है। मैं आज महिला दिवस पर आप सब फीमेल्स को एक बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं को ही, माता को ही प्रथम गुरु माना जाता है। अगर माँ घर की अच्छी है तो उसके बच्चे, उसका समाज, उसका विश्व वो एकदम अच्छा बन जाएगा। हम उस दौर से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ महिलाओं को हर जगह हक दिलाने की बात होती है, चाहे उन्हें राजनीति में महत्व देने की बात हो या किसी भी विभाग में नौकरी देने की बात। हम इस वीडियो से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिनकी आवाज समाज की रूढ़िवादी सोच के नीचे दबी रह जाती है, या उन महिलाओं के लिए जो अपने हक को आज के दौर में भी नहीं जानती। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।